हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो को टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू फिक्शन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं इंट्रोडक्शन टू ड्रामा में, इंट्रोडक्शन टू पोइट्री के बारे में, फिर उनकी एजेस के बारे में। तो वैसे ही आज हमारे रहेंगे कि फिक्शन का क्या मतलब होता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करके देखते हैं। द वर्ड फिक्शन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड फिक्शियो विच मीन्स टू फॉर्म ऑफ मेकिंग और मोल्डिंग, किसी चीज़ को बनाना। However, in literature, it is defined as literature in a prose, especially novels and short stories that describe imaginary events, situations and people. तो literature में इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ों के बारे में बताना जो imagination से लिखी बनाई होती हैं, लोगों के बारे में या किसी situation के बारे में, किसी इंसान के बारे में, उसको बोला जाता है fiction. A work of fiction implies act of creating an imaginary world which may or may not exist in reality. सिंपल वर्ड्स का मीनिंग है कि ऐसी चीज़ें बनाना जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अ फिक्शन ऑल्सो नैरेट अ स्टोरी विच एम्स एट समथिंग बिगर लाइक कमेंटिंग और समथिंग सिग्निफिकेंट रिलेटेड टू सोशल, पॉलिटिकल और ह्यूमन रिलेटेड इश्यूज। तो इनके टॉपिक क्या रहते हैं? कोई सोशल टॉपिक हो सकता है, कोई पॉलिटिकल टॉपिक हो सकता है, या कोई ह्यूमन रिलेटेड इशू लाइक डिप्रेशन हो गया, मैरिज हो गया, ऐसी चीज़ों के ऊपर। देन फिक्शन में भी बेस्ड ऑन स्टोरीज ऑफ एक्चुअल हिस्टोरिकल इवेंट्स, ये भी हो सकता है कि जो हिस्ट्रीज में हो चुका है उन चीज़ों को लेकर स्टोरीज बनाना। ऑल दो फिक्टिशियस कैरेक्टर आर प्रेजेंटेड इन अ फिक्टिशियस सेटिंग इन स्टोरीज एंड नॉवल्स, दे मे हैव सम रिसेम्बलेंस टू रियल लाइफ इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स, लेकिन जो भी हो वो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो आपकी जो स्टोरी होती है जिसकी सेटिंग होती है वो फिक्टिशियस होती है, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। फिक्शन कैन इंस्पायर अस, इंट्रीग अस और एंगेज अस इन अ न्यू आइडिया। इट कैन ऑल्सो हेल्प अस टू सी आवर सेल्फ एंड आवर वर्ल्ड इन अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग वे। तो फिक्शन पढ़कर, स्टोरीज पढ़कर हम ऐसी चीज़ों में जा सकते हैं, ऐसी चीज़ों को समझ सकते हैं नए तरीके से, अलग तरीके से। तो अब फिक्शन का मीनिंग के बाद अब हम देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको लिखने का रीज़न क्या है। द फंक्शन ऑफ फिक्शन इज़ टू एंटरटेन, टू एक्सपीरियंस न्यू टेरिटरीज, टू बिल्ड होप्स एंड इंस्पायर इट्स रीडर। मतलब लोगों के लिए कुछ नया लेकर आने को फिक्शन का ही ऑब्जेक्टिव माना जाता है। लिटरेचर इन जर्नल एंड फिक्शन इन पार्टिकुलर इज कैपेबल इनफ टू स्वाइप अवर इमोशन एंड बिल्ड एम्पैथी फॉर अदर्स। फिक्शन गिव इट्स रीडर एंड एक्सपीरियंस बियॉन्ड देयर डेली लाइफ। तो ऐसे एक्सपीरियंस देता है पढ़कर जो आप डेली लाइफ में नहीं ले सकते। हम उसे कुछ सीख सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं, उस फिक्शंस को अपने आप से जोड़कर देख सकते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को। इट प्रोवाइड देम एन इंसाइट इन टू द लाइफ ऑफ कैरेक्टर्स, देयर मैनर, ट्रांसफॉर्मेशन इन इवेंट रिलेटेड टू दैम। इट इज़ ऑल्सो यूज टू पॉइंट आउट द फ्लॉज ऑफ कैरेक्टर, ड्रॉबैक ऑफ सोसाइटी, रेस और नेशन इन अ मैनर दैट इट डजेंट टच द बाउंड्री ऑफ स्ट्रक्चर और क्रिटिसिज्म। स्ट्रक्चर का मतलब होता है लिमिटेशन। तो ऐसी चीज़ों को पढ़कर हम मतलब सीख सकते हैं, उस कैरेक्टर के बारे में जान सकते हैं, सोसाइटी के ड्रॉबैक्स को हम देख सकते हैं या कुछ भी आप समझ के अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो फिक्शंस कितने टाइप के होते हैं? तो पहला है शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी का मतलब है टिपिकल टेक्स द फॉर्म ऑफ अ ब्रीफ फिक्शनल वर्क, यूजली रिटर्न इन प्रोज। तो ये छोटी होती है, मतलब इसका कहने का मतलब है कि शॉर्ट स्टोरी का नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो कहानी जो छोटी हो। तो फेमस स्टोरी जो शॉर्ट स्टोरी राइटर है उनका नाम है एडगर एलन पो। तो उनके हिसाब से स्टोरी जो शॉर्ट स्टोरी होती है वो आप वन सिटिंग में बैठ के पढ़े उसको शॉर्ट स्टोरी बोला जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, हाफ एन आवर से 2 घंटे का टाइम ले सकते हैं और इसमें 1000 से 20,000 वर्ड्स होते हैं और टिपिकली ये 25 से 30 ज़्यादा से वर्ड में नहीं होती। लेकिन शॉर्ट स्टोरी का जो मेन फोकस होता है वो मेन प्लॉट पर ही रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 कैरेक्टर, उसको बोलते हैं शॉर्ट स्टोरी। अब अगर हम देख लें तो कि शॉर्ट स्टोरी की शुरुआत कब हुई थी, दो शॉर्ट स्टोरी ऑलवेज एग्जिस्टेड इन फॉर्मल ओरल ट्रेडिशन। मतलब हम लोगों को छोटी छोटी कहानियाँ शुरू से सुनाते आ रहे हैं। बट अनटिल द मास मिडिल क्लास लिटरेसी ऑफ द 19th सेंचुरी अराइव्ड इन वेस्ट, देयर हैज़ बीन नो पब्लिशिंग फॉरम फॉर अ पीस ऑफ शॉर्ट फिक्शन।
तो जब तक लोग पढ़े लिखे नहीं हुए, लिखने पढ़ने वाले, और जब तक पब्लिकेशन नहीं आया, तब तक शॉर्ट स्टोरी किसी के लिखने के बारे में आया नहीं। बट विद द इन्वेंशन ऑफ मैगजीन एंड पीरियोडिकल मार्केट टू सर्विस द न्यू रीडिंग पब्लिक डिजायर एंड प्रिफरेंस, राइटर्स स्टार्टेड देयर इंटरेस्ट इन राइटिंग शॉर्ट फिक्शन। तो जब मैगजीन की इन्वेंशन हुई और पीरियोडिकल मार्केट में जो बुक्स आती थी उनकी इन्वेंशन हुई, तो राइटर्स ने क्या किया, उसके अंदर लोगों को इंटरेस्ट देने के लिए शॉर्ट फिक्शन लिखने शुरू कर दिए, जो पीरियड मतलब छोटे छोटे फॉर्म्स में लिखे जाते थे, और यहीं से आपकी शॉर्ट स्टोरी की शुरुआत हुई। तो एडगर एलन पो को कंसिडर बोला जाता है फादर ऑफ शॉर्ट स्टोरी। अब ग्रोथ कैसे हुई, अब लोगों ने लिखना शुरू किया तो इसके अंदर ग्रोथ भी तो होती है ना किसी चीज़ की, लोग नया ट्राई करते हैं। द ही परफेक्टेड द टेक्निक ऑफ ही मीन्स एडगर राइटिंग शॉर्ट स्टोरी एंड रोट मोस्टली सस्पेंस एंड हॉरर स्टोरीज। उनको ये दो चीज़ें बहुत पसंद थी जिसके ऊपर वो लिखते थे। हरमैन मेलविल वॉज एन अदर फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर हु एस्टैब्लिश द बेंच मार्क फॉर वॉट द स्टोरी कैन अटेन एंड अलाउ अस टू सेट स्टैंडर्ड बाई विच ऑल अदर ग्रेट राइटर ऑफ दिस फॉर्म कैन बी मेजर्ड। तो जो दूसरे राइटर थे हरमन, उन्होंने एक अलग ही बेंचमार्क बनाया था स्टोरी लिखने का, जिसको देखकर बाकी लोगों ने इंस्पिरेशन ली। ओ हेनरी वॉज अंदर फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर, ही रोट अराउंड 300 स्टोरीज, हिज ट्रेडमार्क वॉज सरप्राइज एंडिंग। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी, ग्रोथ होने के बाद उसमें क्या डेवलपमेंट आए। ओवर द टाइम जॉनर्स एंड राइटर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड हैव इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी, बट द सिंगल ग्रेटेस्ट लीप फॉरवर्ड इन द एवोल्यूशन ऑफ शॉर्ट स्टोरी इन द 19th century इज अट्रिब्यूटेड टू एंटन चेकोव। इनके नाम पर माना जाता है कि इन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया। एज 19th century ब्लीड इन टू द 20th century द शॉर्ट स्टोरी कंटिन्यू टू फ्लोरिश इन एवरी कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड बाई इंक्रीजिंग रेट ऑफ लिटरेसी। जैसे जैसे लोगों का पढ़ने का बढ़ता गया, द ग्रोथ ऑफ मैगजीन्स एंड सप्लीमेंट्स वो भी बढ़ते गए, तो स्टोरी में डेवलपमेंट होनी चलेगी, लोगों ने नई नई चीज़ें डिमांड करनी शुरू कर दी। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी हर लैंग्वेज में आपको मिलेगी पढ़ने के लिए। दूसरा फॉर्म होता है फिक्शंस का नोवेला। तो नोवेला का मतलब होता है ये टाइप का प्रोज फिक्शन है जो मतलब विच इज़ शॉर्टर देन फुल लेंथ नॉवल। जो नॉवल हम आगे देखेंगे नॉवल के बारे में, तो नॉवल से लंबा होता है, लॉन्गर देन और मतलब नॉवल से छोटा होता है सॉरी, और शॉर्ट स्टोरी से लंबा होता है। तो नॉवल्स और शॉर्ट स्टोरी के बीच को हम नोवेला बोलते हैं। इट इज़ वेल स्ट्रक्चर्ड येट इज़ शॉर्ट नैरेटिव, ऑफन सटायरिक और रियलिस्टिक इन टोन। तो सटायरिक वाला होता है लोगों के ऊपर तंज कसने वाला, लोगों को समझाने वाला। इट यूजली डिस्क्राइब वन इंसिडेंट और इशू विद इन वन और टू मेन कैरेक्टर एंड इट टेक्स प्लेस एट अ सिंगल लोकेशन। द मेन डिफरेंस बिटवीन नोवेला एंड नॉवल इज दैट नोवेला हैज फ्यूअर सब प्लॉट लेंथ इन लेस एंड इज मोस्टली कंसर्न विद पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। तो अगर नॉवल्स में शॉर्टर में देखा जाए तो नोवेला और नॉवल में ये डिफरेंस है कि नोवेला में सब प्लॉट्स नहीं होते हैं, लेंथ छोटी होती है और वो कैरेक्टर एक कैरेक्टर के डेवलपमेंट पर ही रहता है, जबकि नॉवल्स में इससे ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा होता है। तो ओरिजिन कब हुई थी, इट ओरिजिनेटेड इन इटली ड्यूरिंग द मिडल एजेस। द इंडिविजुअल टेल वेर ऑफन गैदर्ड इनटू कलेक्शन अलोंग विद एनकडॉट लेजेंड्स एंड रोमांटिक टेल्स। तो एनकडॉट मीन्स होता है शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन। तो कहाँ से शुरू हुआ था, यहीं से शुरू हुआ था जब लोगों ने एक दूसरे से कहानियाँ लेजेंड्स और रोमांटिक टेल्स के बारे में एक दूसरे को बताना पढ़ना शुरू किया, तो वहीं से नोवेला की शुरुआत हो गई। ग्रोथ ऑफ नोवेल, तो इसकी ग्रोथ 18th century तक नहीं हुई थी, लेकिन अर्ली 19th century में नोवेला एक लिटरली जॉनर बन गया था, लेकिन ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया था। द जर्मन हु वेयर द मोस्ट एक्टिव राइटर ऑफ नोवेला स्ट्रक्चर द प्रिसेप्ट एंड रूल्स टू बी रिटन इन अ रियलिस्टिक मॉडल। तो जर्मन लोगों ने इसके बारे में एक रूल सेट किया कि आप नोवेला इस स्टैंडर्ड में लिख सकते हैं। अब इसके भी डेवलपमेंट की बात करें तो 19th and 20th century में ग्रेट नंबर ऑफ नोवेला वे रिटन इन रशियन ऑथर। तो रशियन ऑथर ने ज़्यादा लिखी, जिसमें जो जिनका फेमस नाम है वो है लियो टॉलस्टॉय, द डेथ ऑफ वे एक एग्जाम्पल, फ्योर दोस्तोवस्की का नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड ये दूसरा एग्जाम्पल। तो मॉडर्न अमेरिकन लिटरेचर अबाउंड्स इन नोवेला फ्रॉम प्रोमिनेंट अमेरिकन ऑथर। तो उन्होंने पहले वाले से, अब जो मॉडर्न अमेरिकन राइटर थे उन्होंने इसमें थोड़ा ज़्यादा हाथ क्लियर किया था, जिसमें नाम आता है
हेनरी जेम्स का, जिनकी नोवेला इन द केज एंड टर्न ऑफ द स्क्रू फेमस है। थर्ड आता है टाइप ऑफ फिक्शन में नॉवल्स का। नॉवल इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन दैट कंटेन ओवर 50,000 वर्ड्स और 120 पेजेस। नॉवल्स में हैव मोर देन वन प्लॉट और स्टोरी लाइन एंड मैनी वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स। नॉवल्स कैन बी एज लॉन्ग एज देयर ऑथर्स वॉन्ट्स देम टू बी। देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ देयर लेंथ। नॉवल फोकसेस ऑन कैरेक्टर डेवलप मोर देन प्लॉट। इट इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन साइकिक। तो नॉवल्स में इन्होंने एक बेसिक चीज़ें बताएं कि नॉवल में होता क्या है। नॉवल में कम से कम 50,000 वर्ड होने चाहिए और 120 पेजेस कम से कम, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जितना राइटर लिखने वाला चाहता है उतना ही उसको वो लिख सकता है। लेकिन उसके अंदर मेन चीज़ होती है ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, ह्यूमन्स के बारे में। अब इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है? एंसेस्टर्स ऑफ द नॉवल्स वेर एलिजाबेथन प्रोज फिक्शन एंड फ्रेंच हीरोइक रोमांस विच वेर लॉन्ग नैरेटिव अबाउट कंटेम्प्रेरी कैरेक्टर हु बिहेव नोबली। द नॉवल केम इन टू अवेयरनेस टूवर्ड इन द एंड ऑफ 1700 ड्यू टू ग्रोइंग मिडिल क्लास विथ मोर लेजियर टाइम टू रीड एंड सफिशियंट मनी टू बाई बुक्स। तो ये फेमस कब हुई? 1700 के एंड में, जब लोगों के पास इतना टाइम था, मिडिल क्लास लोगों के पास, कि वो फ्री टाइम पे कुछ इंटरेस्टिंग होगी, तब टीवी जैसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा जब नहीं था तो इंटरेस्ट, जब पढ़े लिखे लोग होते थे, पैसा होता था, तो वो बुक खरीद कर अपना टाइम पास कर सकते थे, तब नॉवल की शुरुआत हुई। द अर्ली इंग्लिश नॉवल कंसर्न विद कॉम्प्लेक्स मिडिल क्लास कैरेक्टर स्ट्रगलिंग विद मोरालिटी एंड सर्कमस्टांसिस। तो जो पहले पहले नॉवल्स लिखी गई थी वो मिडिल क्लास कैरेक्टर्स के ऊपर लिखी जाती थी, उनके सर्कमस्टांसिस के। पमेला अ सीरीज ऑफ फिक्शनल लेटर रिटन इन 1741 बाय सैमुअल रिचर्डसन इज कंसिडर्ड द फर्स्ट रियल इंग्लिश नॉवल। जो इंग्लिश में लिखी गई थी पमेला, लेकिन एक बुक में नहीं लिखी थी, सीरीज में लिखी गई थी लेटर्स के फॉर्म में। अदर अर्ली नॉवलिस्ट इंक्लूड डैनियल डिफो हु रोट रॉबिन सन क्रूजो एंड मॉल फ्लैंडर्स। ये दो उनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ऑल दो हिज कैरेक्टर वेर नॉट फुली रियलाइज इनफ टू बी कंसिडर फुल फ्लेज नॉवल। लेकिन उनके कैरेक्टर्स को हम नहीं मानते कि जो उन्होंने उसमें डाला है वो फुल फ्लेज नॉवल है, बट उनको कंसिडर किया जाता है ये दो एग्जाम्पल को। जेन ऑस्टिन इज द ऑथर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस एमा कंसिडर द बेस्ट अर्ली इंग्लिश नॉवल्स ऑफ मैनर। अब ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ नॉवल की, नॉवल की ग्रोथ और डेवलपमेंट कहाँ से हुई? द नॉवल बिकम एस्टेब्लिश एज अ डोमिनेंट लिटरेरी फॉर्म इन द ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड। तो क्वीन विक्टोरिया के टाइम पर इसकी डेवलपमेंट हुई। विक्टोरियन नॉवल पोर्ट्रेट मिडिल क्लास वर्चुअस हीरोज रिस्पॉन्डिंग इन सोसाइटी एंड लर्निंग रॉन्ग फ्रॉम राइट टू राइट थ्रू अ सीरीज ऑफ ह्यूमन एरर। तो विक्टोरियन जो नॉवल लिखी जाती थी उसमें भी मिडिल क्लास और वर्चुअस हीरो को दिखाया जाता था, जो सोसाइटी से ही राइट और रॉन्ग सीखते, लाइक ह्यूमन की, आदमियों की गलतियों से। सर वॉल्टर स्कॉट पब्लिश 3 volume नॉवल एंड इंजीनियसली मेड देम अफोर्डेबल फॉर परचेज इन मंथली इंस्टॉलमेंट। तो जो सर वॉल्टर स्कॉट थे उन्होंने ऐसा लिखना शुरू कर दिया कि लोगों को खरीद कर उसको मंथली इंस्टॉलमेंट पे पढ़ सकते थे। दिस मार्केटिंग टैक्टिक लेड टू द राइटिंग इनोवेशन ऑफ मिक्सेज एज वे टू लीव रीडर वॉन्टिंग मोर ईच मंथ। तो इस हिसाब से लिखते थे, एक मार्केटिंग ट्रेंड बन गया था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको खरीदें और पढ़ें। नोटेबल विक्टोरियन ऑथर इंक्लूड चार्ल्स डिकन कंसिडर द बेस्ट इंग्लिश विक्टोरियन नॉवलिस्ट, जिन्होंने क्रिसमस कैरल लिखा है। और बाकी अगर हम बात करें लुईस कैरल, चार्ल्स लुडविक, तो उन्होंने एलिस एडवेंचर जो बहुत फेमस है, लुकिंग थ्रू द लुकिंग ग्लास, ये सारी उन्होंने नॉवल्स लिखी हैं। द कैरेक्टर इज मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी नॉवल क्वेश्चन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो उनका जो थीम होती थी वो क्या होती थी? भगवान के ऊपर थी, उनके होने पर। द सुप्रीमेसी ऑफ ह्यूमन रीजन एंड द नेचर ऑफ रियलिटी। नॉवल्स ऑन दिस एरा रिफ्लेक्टेड ग्रेट इवेंट्स सच एज द ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर एंड कम्युनिज्म। तो ऐसी चीज़ों पे लिखते थे जो उस टाइम पर प्रिवेल करती थी। तो फेमस नॉवल इंक्लूड, जो बहुत फेमस मानी जाती हैं, ये उनके एग्जाम्पल दिए हुए, जैसे टू द लाइट हाउस, वर्जीनिया वुल्फ की उल से, आयरिश नॉवलिस्ट जो शॉर्ट स्टोरी भी लिखते हैं, ऑल क्वाइट इन अ वेस्टर्न फ्रंट। ये बहुत सारी ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी और फेमस नॉवल्स लिखी हैं, जिन्होंने नॉवल्स को फेस बनाया है। द पोस्ट मॉडर्न नॉवल्स इंक्लूड मैजिकल रियलिज्म, मेटाफिक्शन एंड ग्राफिक नॉवल्स। सिर्फ
नॉवेल्स में के अलावा ये वाली थीम्स भी होती थी. इट एसर्ट दैट मैन इज रूल्ड बाई हायर पावर एंड दैट द यूनिवर्स कैनॉट बी एक्सप्लेन बाई रीजन अलोन. मॉडर्न नॉवल एग्जिबिट अ प्लेफुलनेस ऑफ लैंग्वेज, लेस रिलायंस ऑन ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड एक्सपेरिमेंटेशन विथ हाउ टाइम्स इज कन्वेड इन द स्टोरी. पोस्ट मॉडर्न नॉवल द कलर पर्पल बाई एलिस वॉकर एग्जाम्पल दिया हुआ है. ब्लड नॉन फिक्शन नॉवल रूट्स, फियर ऑफ फ्लाइंग बाई एरिका जोंग एंड द लीडिंग मैजिकल रियलिस्ट नॉवल अ हंड्रेड ईयर ऑफ सॉलिट्यूड. तो ये उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं. अब अगर हम एलिमेंट की बात करें तो कि फिक्शन में लिखने के लिए कौन कौन से एलिमेंट का होना ज़रूरी है. तो पहला है कैरेक्टर. कैरेक्टर इज अ फिक्शन आर पीपल एनिमल और इमेजिनरी क्रिएचर दैट टेक पार्ट इन द एक्शन ऑफ स्टोरी. कैरेक्टर्स कैन बी कन्वेंशनली क्लासिफाइड एज मेजर एंड माइनर, स्टैटिक एंड डायनामिक. अ मेजर कैरेक्टर इज एन इंपॉर्टेंट फिगर द सेंटर ऑफ द स्टोरी, नॉवल्स, एक्शन और थीम. द मेजर कैरेक्टर इज समटाइम कॉल्ड अ प्रोटोगोनिस्ट हु कॉन्फ्लिक्ट विद एन एंटागोनिस्ट मे स्पार्क द स्टोरीज कॉन्फ्लिक्ट सपोर्टिंग द मेजर कैरेक्टर. आर वन और मोर सेकेंडरी माइनर कैरेक्टर हुज फंक्शन इज पार्टली टू एल्यूमिनेट द मेजर कैरेक्टर्स. माइनर कैरेक्टर आर ऑफन स्टैटिक और अनचेंजिंग. दे रिमेन द सेम फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ वर्क टू द एंड. तो इसका कहने का मतलब है कि कैरेक्टर उसमें काफ़ी सारे होते हैं नॉवल्स में. जो मेन कैरेक्टर होता है, जो मतलब जो प्रोटोगोनिस्ट मतलब हीरो और एंटागोनिस्ट मतलब उसका ऑपोजिट, दैट इज एनिमी. तो एनिमी से फाइट करने के में जो उसको स्पार्क लाता है वो वाला दिखाता है. माइनर कैरेक्टर वो आते हैं जो मेजर को सपोर्ट करते हैं, उसमें फंक्शन लाते हैं, एल्यूमिनेट करते हैं. और डायनेमिक कैरेक्टर और ऑन द अदर हैंड जो एग्जिबिट सम काइंड ऑफ चेंज इन एटीट्यूड, बिहेवियर, जो स्टोरी लाइन को प्रोग्रेस देता है. उसके बाद आता है प्लॉट. तो प्लॉट इज द एक्शन एलिमेंट इन फिक्शन इन द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स दैट मेक अप अ स्टोरी. तो जिस के ऊपर स्टोरी लिखी जाती है उसको प्लॉट बोला जाता है. जो स्टोरी में प्लॉट होना भी इम्पॉर्टेंट है, जिसके इर्द गिर्द सारी स्टोरी और मूवीज चलती रहती हैं. उसके बाद आता है थर्ड एलिमेंट है सेटिंग. इन द फिजिकल मतलब इट इज अ फिजिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच द एक्शन और स्टोरी अकर्स. तो सेटिंग मतलब जिस जगह में स्टोरी हमने लिखी है, मतलब हम कौन सी जगह दिखा रहे हैं, कौन सा टाइम दिखा रहे हैं और कौन सा सोशल इन्वायरमेंट दिखा रहे हैं. तो ये कैरेक्टर्स के लिए ये होती है सेटिंग. उसके बाद आता है पॉइंट ऑफ व्यू. इट रेफर टू हु टेल्स द स्टोरी ऑफ नॉवल एंड हाउ इट इज टोल्ड. मतलब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कहीं ना कहीं तो स्टोरी कोई ना कोई तो उसको बोल रहा होगा, कोई ना कोई तो उसको लिख रहा होगा, कोई ना कोई तो उसको समझ रहा होगा. तो वो होता है पॉइंट ऑफ व्यू. द पॉसिबल वे ऑफ टेलिंग अ स्टोरी और नॉवल आर मैनी एंड मोर देन वन पॉइंट. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंगल एक ही बंदा है, मेन बंदा, वो अपनी खुद की स्टोरी बता रहा है. कई बार स्टोरी माइनर कैरेक्टर की आइज के थ्रू से लिखी जाती है, उसको पॉइंट ऑफ व्यू बोला जाता है. उसके बाद आता है एलिमेंट थीम, जिसके ऊपर कहानी लिखी गई. सपोज हमने कोई सोशल डाउरी के ऊपर हमने एक नॉवल लिख दी, तो डाउरी उसका मेन थीम हो गया. स्टोरी तो खैर उसकी चलेगी. तो थीम इज फिक्शन इज रियली प्रेजेंटेड इट एट ऑल एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिटेल ऑफ कैरेक्टर एंड एक्शन दैट कंपोज द स्टोरी. इट प्रोवाइड अ यूनिफाइंग पॉइंट अराउंड विच द प्लॉट, कैरेक्टर, सेटिंग, पॉइंट ऑफ व्यू, सिम्बल्स एंड अदर एलिमेंट ऑफ स्टोरीज आर ऑर्गेनाइज. लास्ट है इसका स्टाइल. तो इट इज़ अ वे अ राइटर चूज वर्ड्स, अरेंज देम इन अ सेंटेंस एंड लॉन्गर यूनिट ऑफ डिस्कोर्स एंड एक्सप्लॉयट देयर सिग्निफिकेंस. तो लास्ट होता है स्टाइल, मतलब लिखने का तरीका. आप कौन सी लैंग्वेज में लिखना प्रेफर करते हैं, ईजी है, हार्ड है, कौन कौन से आप उसमें वर्ड डिक्शन यूज़ कर रहे हैं, एक्सेट्रा. तो आई होप आपको फिक्शन के बारे में जो भी इसमें बताया है वो आपको समझ में आया हो. Thank you for watching the video. Thank you so much.